गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लैम अप क्वीन। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ दो ऐसे स्किन वाइटनिंग फेस पैक जो आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ शाइनी बनाने के साथ साथ आपकी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन बनाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और गाइस विंटर का मौसम चल रहा है, इस मौसम में हमारी जो स्किन होती है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई और डल हो जाती है। सो गाइस आज मैं आपके साथ जो दो स्किन वाइटनिंग फेस पैक शेयर कर रही हूँ ये आपकी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाने के साथ साथ ग्लोइंग भी बनाएंगे। और गाइस इन दोनों ही फेस पैक का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है मलाई यानी मिल्क क्रीम। और गाइस मिल्क क्रीम बहुत ही अच्छी होती है स्किन वाइटनिंग के लिए, अगर स्किन ड्राई है तो उसे सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगी और साथ ही साथ हमारी स्किन को वाइट एंड ब्राइटन करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। सो गाइस ज्यादा टाइम ना वेस्ट करके चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सके। तो गाइस फर्स्ट जो फेस पैक है वो है हमारा फेयर स्किन के लिए कि हमारे जो कॉम्प्लेक्शन है उसको फेयर करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सो गाइस इसके लिए हमें क्या करना है कि हमें कम से कम 1 से 1.5 चम्मच मिल्क क्रीम लेनी है यानी मलाई। गाइस मलाई बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, ये हमारे कॉम्प्लेक्शन को फेयर करने के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, ये हमारी रंगत को निखारेगी, हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगी। सो गाइस इसको किस तरीके से यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस मैंने यहाँ पर मलाई ले ली है, अब आपको क्या करना है कि आपको इसे अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लेना है, ये देखिए इस तरीके से। और गाइस अप्लाई करने के बाद आपको कम से कम 5 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की मसाज करनी है। और गाइस मलाई बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो स्किन की टैनिंग को दूर करता है और हमारी स्किन की रंगत को निखारने के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और गाइस जैसे कि धूप में अगर हम जाते हैं तो हमारी जो स्किन होती है वो टैनिंग हो जाती है हमारी स्किन पर, तो ये टैनिंग को रिमूव करके हमारी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ और शाइनी बनाने के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सो गाइस आपको ये करना है कि आपको 5 मिनट अच्छे से मसाज करनी है और उसके बाद अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। और गाइस ये हमारे आईज के डार्क सर्कल के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, अगर किसी को डार्क सर्कल की प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से मसाज कीजिए। और साथ ही साथ अगर हमारे आंखों के आसपास सूजन हो गई है तो उसको भी ठीक करने के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सो गाइस आपको क्या करना है मलाई से अपने आईज के अराउंड थोड़ी सी मसाज करनी है। सो गाइस देखिए मैंने यहाँ पर अपना फेस अच्छे से वॉश कर लिया है। सो गाइस इस फेस पैक को आप बहुत ही अच्छे से रोज डेली ट्राई करेंगे तो आपकी स्किन में आपको फर्क दिखने लगेगा। सो गाइस आप इस फेस पैक को जरूर ट्राई कीजिए, इससे आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट फील करेगी और साथ ही साथ आपकी स्किन ग्लोइंग भी होगी। सो गाइस उसके बाद बारी आती है फेस पैक है और जो दूसरा फेस पैक है वो है ग्लोइंग स्किन के लिए। सो गाइस इस फेस पैक को बनाने के लिए आपको क्या करना है, 1 टीस्पून मिल्क क्रीम लेनी है यानी मलाई। और उसके बाद आप इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट वो है ऐड करेंगे, वो है 1 टीस्पून ग्राम फ्लोर यानी बेसन। और उसके बाद आप इसमें ऐड करेंगे चुटकी भर हल्दी, आप इसमें 1/4 टीस्पून भी ले सकते हैं। उसके बाद लास्ट इंग्रेडिएंट मैं इसमें ऐड कर रही हूं 2 टीस्पून रोज वाटर यानी गुलाब जल। मैंने यहां पर रोज वाटर होममेड बनाया हुआ है, आप मार्केट का भी ले सकते हैं। उसके बाद आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और गाइस आपको इसे तब तक मिक्स करते रहना जब तक कि ये पेस्ट तैयार ना हो जाए जो आपके फेस पर अच्छे से अप्लाई हो सके। गाइस देखिए आपको इसे काफी अच्छे से मिक्स कर लेना है। और गाइस ये फेस पैक बहुत ही अच्छा है, आप इसे यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा। सो गाइस देखिए आपको इस तरीके का पेस्ट बनाना है जिस तरीके से मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। आपको एक स्मूथ पेस्ट तैयार करना है, ना ज्यादा पतला होना चाहिए ना ज्यादा गाढ़ा होना चाहिए, आपको इस तरीके से एक स्मूथ पेस्ट बनाना है। सो गाइस अब आपको इसे किस तरीके से यूज करना है मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस इसको यूज करने से पहले अपना फेस अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद आप इसे अपने फेस पर अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, ये देखिए। और गाइस इसको अप्लाई करने के बाद आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की मसाज करनी है।
और बस ये फेस पैक बहुत ही अच्छा है, हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाएगा, साथ ही साथ अगर हमारी स्किन ड्राई हो गई है, डल हो गई है, उसे ठीक करके हमारी स्किन को सॉफ्ट और स्मूथ बनाएगा। सो बस देखिए, आपको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से अपने फेस की मसाज करनी है। और गाइस, मसाज करने के बाद आपको एक लेयर इसके ऊपर अपने फेस पैक की अच्छे से अप्लाई कर लेनी है। देखिए जिस तरीके से मैं एक लेयर अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। और गाइस, इसको अप्लाई करने के बाद आपको इसे 15 से 20 मिनट के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है और उसके बाद अपना फेस अच्छे से वॉश कर लेना है। सो गाइस, मैंने यहाँ पर फेस अपना अच्छे से वॉश कर लिया है। सो गाइस, इस फेस पैक को आप कम से कम हफ्ते में 3 से 4 बार जरूर ट्राई कीजिए। ये बहुत ही अच्छा है, नेचुरल है, आपकी स्किन को नेचुरल तरीके से ग्लोइंग बनाएगा, आपकी स्किन बहुत ही ज्यादा ग्लो करने लगेगी, सॉफ्ट हो जाएगी, स्मूथ हो जाएगी। सो गाइस, ये थे मेरे दोनों फेस पैक जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। और गाइस, मलाई तो हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी होती ही है, ये हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाएगी, साथ ही साथ ये फेयर स्किन के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।